इस्लामिक दोस्तों, अकमल आपके साथ फिर मौजूद। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टे हैप्पी, हाउ टू स्टे वंडरफुल। और एक मैं टाइम क्लॉक के बारे में बात करूं कि आपने एक क्लॉक पहना हुआ है अपने आपके मोबाइल में। बाय द वे, आई एम वेरी मच एंजॉयिंग दिस लाइफ राइट नाउ। हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली, बिलीव, थिंक हैप्पी, बी हैप्पी, राइट। हम सारी जिंदगी प्लान करते रहते हैं, अ टाइम विल कम आई विल बी हैप्पी पर्सन। आप ये तो कह सकते हैं अ टाइम विल कम आई विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन। आप जिंदगी को प्लान करते हैं, करियर को प्लान करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, और आप एक वक्त आता है आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट जब आप ये प्लान करते हैं, स्केड्यूल करते हैं हैप्पीनेस को, ये हम बहुत गलत करते हैं। हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल स्टेट, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद योर सर्कमस्टांसेस। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, दे आर वेल ऑफ, उनके पास पैसा है, घर है, सब कुछ है, बट दे आर वेरी अनहैप्पी पीपल। ऑन अदर साइड आई सी देर आर पीपल झुग्गियों में रहते हैं, नीचे चटाई डाल के सोते हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी पीपल। क्यों होता है ऐसा? इफ आपने ऐसा देखा है, यकीन आप मेरी बात की तायद करेंगे, क्योंकि अगर पैसे जायदाद से हैप्पीनेस आती तो दुनिया के रिचेस्ट लोग सबसे हैप्पी होते, जो कि वो नहीं है। और अगर तंग दस्ती से इंसान को ना खुशी होती, परेशानी होती, तो आपको जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं, वो बहुत परेशान हमेशा लगते, उनको परवाह नहीं है। ठीक है, दे बिलीव, दे नो वट इज, जैसा है वो बस उसे तस्लीम कर बैठे हैं, देर हैप्पी। जिंदगी में खुश होने के दो तरीके हैं, मौला अली का फरमान है, जिंदगी में खुश रहने के दो तरीके। जो पसंद है उसे हासिल कर लो, जो सोचते हो कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। अपने हाल में खुश होना सीख लो। ये जो दूसरा तरीका है ना, ये बहुत आसान है, इसके लिए पोस्टपोन नहीं करना पड़ेगा, इसके स्केड्यूल नहीं करना पड़ेगा। जी आज 2019 है तो 2029 में मैं एक बड़ा हैप्पी पर्सन होगा, यू डोंट हैव टू से। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज 2019 है, 2029 में मेरे पास ये बिजनेस होगा, ये गाड़ी होगी, ये चीज़ें होंगी जो कि मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद योर बीइंग हैप्पी। बाय द वे, हैप्पी होने के लिए क्या है, दो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसानी रवैये हैं, वो अपना लीजिए, उन्हें अपनी ज़ात के ऊपर वो अधिक आयद कर लीजिए। वो कौन से हैं? सबर, जो नहीं है, बिलीव योर गॉड। अब किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, डजेंट मैटर, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, बिलीव योर क्रिएटर, राइट। और सबर रखो, राइट टाइम पर आपको चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप कहेंगे कि सर उम्र गुजर गई, इंतजार करते हुआ कुछ नहीं है, सबर नहीं किया, सारी जिंदगी पैनिक में भागे रहे, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, कब। तो जब आप कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, तो आप वसवसों का शिकार है, वसवसों के लोगों के कुछ नहीं मिलता कभी। लेकिन अगर आप यकीन कर लेते हैं और उस यकीन पर साबिर हो जाते हैं कि वक्त आने पर सब कुछ मिल जाएगा, राइट टाइम पर सब कुछ आ जाएगा, तो राइट टाइम पर सब कुछ ज़रूर आएगा। और दूसरा है
शुक्र, वट एवर यू हैव एंड वेयर एवर यू आर, थैंक गॉड, राइट। शुक्र अदा करें, अल्लाह का भी शुक्र अदा करें, और आपके इर्द गिर्द छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिलती हैं हर रोज़, लोगों से, दोस्तों से, बहन भाइयों से, महल्लेदारों से, राहगीरों से, आपको छोटा बहुत छोटा छोटा माइनर किस्म का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, दे हेल्प यू आउट सम इन वन वे आर दी अदर, बी थैंकफुल टू देम, ठीक है। लोगों का शुक्रगुजार रहें, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहें, बिलीव मी यू विल बी अ हैप्पी पर्सन। तो हैप्पीनेस को पॉज स्पेंड नहीं कीजिए, राइट, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ हैप्पीली राइट नाउ एंड डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग, हम यही सोचते रहते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस वक्त मैं फ्रूट खा रहा हूँ, अमरूद खा रहा हूँ, रात के 4:30 हो गए, राइट, भूख लगी थी, काम भी करना है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, पेट खाली हो रहा था, एंड आई स्टार्टिंग ईटिंग फ्रूट एंड आई स्टिल कंटिन्यूइंग क्रिएटिंग दिस वीडियो। आई एम नॉट केयरिंग व्हाट पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट मी, क्योंकि ये मेरा मामला नहीं है। अगर मुझे लोगों को हैप्पी करना, तो मुझे ये काम नहीं करना। आई बिलीव आई एम ए हैप्पी पर्सन, और ये मेरा हैप्पीनेस, मेरा सेटिस्फाइड, और इसका आगे काफ़ी सारे लेवल हैं, सरशार हैप्पीनेस छोटा लेवल है, सरशार वंडरफुल लाइफ ये कैसे होती है, इसका ताल्लुक कतई तौर पर हालात से नहीं है, इर्द गिर्द के चीज़ों से नहीं है। आई ऑलवेज बिलीव दैट आई एम ए हैप्पी पर्सन, आई ऑलवेज बिलीव दैट आई एम वंडरफुल एंड आई हैव ऑलवेज बिन। मुझे किसी से जी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि कोई मुझे बताए एम आई वंडरफुल, एम आई इंटेलिजेंट, एम आई स्मार्ट, नेवर। आई ऑलवेज बिलीव्ड आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम वंडरफुल, आई एम हैप्पी, एंड दैट ऑलवेज आई हैव बिन एंड आई एम राइट नाउ, राइट। आप लोग भी सोचिएगा, नेवर केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, राइट, जस्ट बिलीव व्हाट यू वांट एंड यू विल बी ग्रांटेड। बिलीव मी इट्स अ वंडरफुल आइडियोलॉजी, करके देखिएगा कैसा सोचते हैं आप। और आपने अगर मेरी इस तरह की कोई और वीडियो देखी और कुछ फ़ायदा हुआ आपको, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, थम्स अप और थम्स डाउन, बहुत दोनों सूरतों में यू आर वेलकम। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इसमें सीखें, इससे फ़ायदा उठाएं और वो ज़िंदगी को पहले से बेहतर, पहले से हैप्पियर और सरशार बना सकें। अल्लाह हाफिज़।